नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार के वैसे शहरों के बारे में जहां पे रेल, सड़क और जल मार्ग, ये तीनों जो है जुड़ेंगे और बिहार के विकास में ये अहम भूमिका निभाएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले ही एक अभियान की शुरुआत की थी जिसका नाम था गति से प्रगति। इस अभियान के तहत बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड समेत देश के कई राज्यों में विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम जारी है। बता दें कि इस योजना के तहत गंगा नदी पर 14 पुल, 4 एक्सप्रेसवे और बुलेट ट्रेन चलाने जैसी योजनाओं का काम जो है शुरू हो गया है। इस कड़ी में बिहार के शहरों में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हब के तैयार कर उसे विकसित करने की योजना भी जो है बनाई गई है, जहां पर एक साथ रेल, रोड और वाटर जंक्शन एक साथ होंगे। बता दें कि यह मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हब देश भर के जलमार्ग, रेल मार्ग से एक साथ जुड़ेगा। यह बिहार में व्यापार के मामले में कई रास्ते खोलेगा, साथ ही यह व्यापार के दृष्टिकोण से भी कारगर होगा। बता दें कि बिहार में बनने वाले मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हब 5 शहरों से शुरू होने वाली है। फिलहाल पटना, भागलपुर, हाजीपुर, कटिहार और बक्सर को विकसित किया जाना है। बता दें कि इन शहरों में जल मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग को आसानी से जोड़ा जा सकेगा। इन शहरों के आसपास लॉजिस्टिक हब विकसित करने के स्थानीय स्तर पर औद्योगिक विकास भी होगा। इन शहरों के अलावा भी और भी शहरों को चिन्हित किया जा रहा है जहाँ पर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की शुरुआत की जा सकती है, इससे कि प्रदेश में औद्योगिक विकास हो सके, डेवलपमेंट हो सके, नए नए कार्य जो है वो हो सके। बिहार सरकार इन योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए लॉजिस्टिक पॉलिसी पर काम कर रही है। यह पॉलिसी बिहार सरकार का उद्योग विभाग जो है वह तैयार कर रहा है। बताया जा रहा है कि इसे मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिलनी अभी जो है बाकी है। रेलवे द्वारा ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर समेत कई परियोजनाओं को राज्य की आधारभूत संरचना से कनेक्ट करना है। बता दें कि हाल ही में नोएडा में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की शुरुआत पिछले दिनों शुरू की गई थी। इस परियोजना के तहत 7225 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। पिछले साल अक्टूबर में ही प्रधानमंत्री ने पीएम गति शक्ति परियोजना की शुरुआत की थी। इस परियोजना की शुरुआत में करीब जो है 1.5 लाख लोगों को जो है रोजगार मिलने की बात कही गई। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम नोड में भी 2500 एकड़ के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की मंजूरी मिली है। इन सभी परियोजनाओं से देश में रोजगार का एक नया मौका मिलेगा, साथ ही साथ बिहार के लोगों को व्यापार में सहूलियत होगी, साथ ही साथ रोजगार के भी जो है नए अवसर मिलेंगे। अगर हम बिहार के पुराने दिनों की बात कर लें तो जल मार्ग जो है एक उद्योग का बहुत बड़ा मार्ग हुआ करता था और उससे जो है उद्योग आया जाया करता था और सामानों को जो है ढोने का काम किया जाता था। आज जो है एक बार फिर से बिहार सरकार और केंद्र सरकार इसी परियोजना के तहत काम करना चाहती है ताकि जो है हम जल मार्ग का इस्तेमाल कर सके। बिहार और बिहार से जुड़े हुए और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहे बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।